नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत छतरौली के रहने वाले विशाल सिंह सुपुत्र सुदर्शन सिंह बिट्टू ने कुश्ती प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर 85 किलो भार में रजत पदक जीतकर अपने गांव व प्रदेश का नाम रोशन किया है। विशाल सिंह ने 10वीं कक्षा जसूर के आदर्श भारतीय स्कूल में 2015 में उत्तीर्ण की। बचपन से ही पढ़ने के साथ साथ उसे खेलों में काफी रुचि थी। विशाल के पिता दिव्यांग हैं और कृषक हैं। विशाल की माता गृहिणी हैं। विशाल का एक छोटा भाई है जो जसूर स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है। जसूर के सत्य साई विद्या वाहिनी आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल में आज विशाल की इस उपलब्धि पर उसे स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विशाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरी कॉलेज से बीएससी कर रहा है। विशाल ने कहा कि 2017 में हिमाचल प्रदेश के रोहडू में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 78 किलो भार में रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने बताया कि इसके बाद राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ गया। मैं छतरौली गांव का रहने वाला हूँ। मैं 2015 में 10th मैंने आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल से की है और अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज देरी से। और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैं रेसलिंग करता हूँ। उससे पहले मैंने ताइक्वांडो में भाग लिया था, राज्य स्तरीय रोहडू में हुई थी प्रतियोगिता, उसमें मैंने रजत पदक हासिल किया है। और उसके बाद मैं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने के लिए छत्तीसगढ़ गया था, उसमें मेरे पार्टिसिपेशन का रहा है सिर्फ जो मेरा रिजल्ट रहा है। और उसके बाद मैं गया ग्रैपलिंग में खेलने के लिए। विशाल की माता सरिता देवी ने बताया कि विशाल को स्कूल के प्रधानाचार्य संजय शर्मा और विशाल के ताया गणेश सिंह ने काफी प्रोत्साहित किया है। सरिता देवी का कहना है कि विशाल ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में खेलकर रजत पदक अपने नाम किया। इसके अलावा विशाल ने कई और पदक भी अपने नाम किए हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किलों का सामना कर विशाल को इस मुकाम तक पहुँचाया है। मेरा बेटा विशाल सिंह आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल में पढ़ा है। प्रिंसिपल सर का नाम संजय शर्मा है, उन्होंने काफी प्रोत्साहन किया है मेरे बेटे को और इनके ताऊ जी उन्होंने काफी प्रोत्साहन किया है। और मेरे बेटे ने राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक प्राप्त किया है और ताइक्वांडो में भी किया है। और मेरे बेटे ने गोल्ड मेडल लिया, ब्रॉन्ज मेडल सभी लिए हैं। तो मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किलों का सामना करके अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाया है। और इसके पापा एक कृषक हैं और दिव्यांग हैं। मेरा दो ही बेटे हैं, छोटा बेटा प्लस टू कर रहा है। तो मेरे को आगे मतलब इसको पहुंचाने में कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ तक मैं बड़े मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुंचाया है। इसके एक ताया जी हैं रेलवे में, वो हैं, उनका नाम नीश कुमार जी है, वो पटियाला में सर्विस करते हैं। उनका भी काफी योगदान है, काफी प्रोत्साहित करते हैं मेरे बेटे को।